हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हमें 7.4 शुरू करनी है और 7.4 में कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहले हम उन्हें करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके आगे के फॉर्मूलेज को आगे अगले एक्सरसाइज में देखेंगे, और प्लस आज जो मैं फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है बच्चों आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है पहला। सेकंड फॉर्मूला है 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए, और ये तो होता ही है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फोर्थ पार्ट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है बच्चों लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिफ्थ है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और सिक्स है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये और ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता था, ये वाला फॉर्मूला भी पहले से पता था, ये दोनों ही हैं बस, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं जरा दो चार क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे फॉर्मूला लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो देखो क्या है बच्चों, 3x² एक्स की पावर 6 प्लस 1 डी एक्स। अच्छा भैया बताओ, इंटीग्रल आई के बराबर ले लो इसको, किसके बराबर ले लो, आई के बराबर। अच्छा बच्चों मेरे को 3x² चाहिए, तो अगर मैं एक्स की पावर 6 को एक्स की पावर 3 का स्क्वायर लिख लूँ, या 1 को भी 1 की पावर 3 का स्क्वायर लिख लूँ, तो क्या कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल नहीं है, क्यों, सेम ही चीज़ होती है। अब अगर मैं लेट कर लूं एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या कोई दिक्कत है? जी नहीं, क्योंकि पावर आगे एक कम होएगा और ये डी एक्स इधर आ जाएगा डी टी, तो 3x² डी एक्स ही तो चाहिए था, मैंने वैसे बदल दिया, तो ये बन गया 1 और ये क्या बन गया टी, तो ये टी का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, हाँ जी 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, देखने में कैसा लग रहा है, थर्ड वाले की तरह, किसके वाले की तरह, थर्ड वाले की तरह। तो बस 1 अपॉन में ए की जगह पे 1, टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस सी, तो यानी 1 तो वही रहेगा, टेन इनवर्स टी, टी कितना माना है एक्स क्यूब प्लस सी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, हाँ जी अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x² डी एक्स ये दिया हुआ। अब याद रखना, मैं बस इतना आपको बताना चाहूंगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म होनी ही नहीं चाहिए, ना माइनस होना चाहिए ना कोई नंबर होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। और जब ये अकेला है तो आई के बराबर पहले लेट करो, और जब ये अकेला है तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, भाई इन दोनों में, इन दोनों पार्ट्स में जबरदस्ती 4 कॉमन ले लो, तो 1 तो बन जाएगा कितना, 1 तो बन जाएगा 1/4, और 4 कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी आपको तो मैंने बता ही रखा है कि जब किसी जबरदस्ती कॉमन लेते हैं वो नीचे आ जाता है। अब 4 रूट में, रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई बराबर 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ भाई ये फॉर्मूला किसकी तरह लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है इसकी तरह, 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। चलो तो आई बराबर 1/2 अपनी जगह रहेगा लॉग, ठीक है, एक्स एक्स की जगह पे क्या रहेगा एक्स प्लस अंडर रूट क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट। ठीक है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ फोर्थ। फोर्थ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आई बराबर ले लेंगे, 1/ में अंडर रूट 9 - 25 x²dx। तो आपको तो अच्छे से पता ही है भाई, जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या बताया, अकेला होना चाहिए ये 25। तो ये तो जाएगा 9/25 -x²dx। 25 को बाहर कर देंगे, 5 √ 3/5 का होल स्क्वायर -x²dx। ठीक है 1/5 तो बाहर आ गया, इसमें लगा लो इंटीग्रेशन, 1/ में अंडर रूट a² - x²। तो क्या बन जाएगा ये? साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे एक्स, ए की जगह पे 3/5 प्लस सी। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ठीक है नोट कर लो अच्छे से, जल्दी से, बस फॉर्मूला बेस्ड है सारा, सारा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है नेक्स्ट देखिए, चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक ये फॉर्मूला आपको कम से कम 2-3 बार लिख के देखना भी है और प्लस इस पे यूज भी करना है, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे इसको क्वेश्चंस पे तो आपको याद होना थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों, इसलिए कंटिन्यू इसका यूज करते रहिए। ठीक है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिए भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? हाँ जी 3x/1 में 2x⁴dx। ठीक है हाँ जी, तो i के बराबर 3 बाहर निकाल देंगे, x/1 में 1 + 2x² का स्क्वायर dx। ठीक है अब यहां पे लेट कर लो, किसको लेट कर लो? x² को t लेट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी x, पावर आगे 1 - dx इधर dt, लेकिन मेरे को तो x dx चाहिए, 2 तो यहाँ फालतू में आ रहा है, तो 1/2 dt। चलिए i बराबर 3 और 1/2 बाहर, x dt 1, 1 + में 2t² dt। और आपको अच्छे से पता है मुझे 2 पसंद नहीं है किसी भी वेरिएबल के साथ, तो बाहर निकाल लेंगे कॉमन, 1/1 में ये 1/2 बन जाएगा, ये +t² बन जाएगा dt। ठीक है i बराबर 3/4, हाँ जी क्या मैं इसको 1/ में √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई? चलो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, i बराबर 3/4, हाँ जी 1/ में a² + x² तो a² + x² क्या हो गया भाई? ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/a, a कितना है 1/√2, फिर क्या है टेन इनवर्स x/a 1/√2 प्लस सी। ठीक है तो i बराबर ये पलट जाएगा 3√2/4 टेन इनवर्स टी, टी की जगह पे आएगा x² और ये पलट जाएगा तो √2x² + c, ये आंसर है बच्चों। ठीक है अगला अगला क्वेश्चन 6, बच्चों 6 आप कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन 7, 7 करवाता हूँ, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 ये करवाता हूँ। i के बराबर ले लीजिए x-1/1 में √x² - 1 dx, बस हो गया। अब एक बार इसके नीचे ले लो अलग करके और एक बार इसके नीचे ले लो अलग करके, x² को t लेट मानो यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा क्या, पावर आगे 1 - ठीक है और dx बराबर dt, लेकिन मुझे तो x dx चाहिए, तो 1/2 dt, तो 1/2
ये क्या माना, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी, ये बन जाएगा टी माइनस वन डी एक्स, सॉरी डी टी माइनस वन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत सिंपल है यार, तो वन अपॉन टू ये तो ऊपर जाएगा, पावर क्या बन जाएगा, टी माइनस वन की पावर माइनस वन बाय टू डी टी माइनस, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो अभी रुक जाओ, हाँ भाई ये क्या बन जाएगा, टी माइनस वन, इसमें वन ऐड करोगे तो वन बाय टू, वन ऐड करोगे वन बाय टू माइनस, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कौन सा लगेगा, ये वाला, तो ये बन जाएगा लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई, टू से टू तो कट जाएगा, आई बराबर टी यानी कि अंडर रूट, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, करो इसे करो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 7 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर डी एक्स। ठीक है, लेट करना बच्चों टेन एक्स को टी के बराबर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स इधर आ जाएगा, डी टी इधर। ठीक है, आई बराबर, तो ये तो वन अपॉन अंडर रूट टी की स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर डी टी, हाँ भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आंसर आ जाएगा आई बराबर लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस सी, और टी कितना है टेन, तो बस लॉग टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर अब कौन से, क्वेश्चन नंबर 10, यहां से थोड़ा अलग शुरू हो जाता है, इसको नोट करो, फिर मैं ये सारे फॉर्मूले वॉर्मूले मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूले अच्छे से अपने नजर में भाई बसा लो आप लोग। ठीक है, चलिए बता दूं,
क्योंकि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, है ना? चलिए, क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन नंबर 10। आई बराबर 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 dx। बच्चों ये दिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और जो फॉर्मूला बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग बनाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab+b2, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab+b2। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा है, सेम उसी तरीके से करना है। अब देखो, आई 1/√ एक्स स्क्वायर के बाद अगर प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या है? प्लस, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a। भाई देखो, 2 तो फॉर्मूले का a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या लूं कि 2x बन जाए? तो बस सीधी सिंपल सी बात है, 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 लूंगा तब भी क्या रहेगा? 2x। बस अब इसी का स्क्वायर अपनी मर्जी से ऐड, और इसी का स्क्वायर अपनी मर्जी से माइनस, क्योंकि ये चीज तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं। 2 dx। तो i बराबर 1/√ भाई यहां से लेके यहां तक तो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का 2 और dx, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ जी, तो क्या बन गया ये? ये आ गया इंटीग्रेशन लॉग एक्स, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 प्लस 1/√ x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। बस आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज करना है, फिर खत्म कहानी। ठीक है, अभी देखो 11th, 1/ में, हाँ भाई, 9x² 6x+5 dx। ये अब मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, अकेला होना चाहिए। तो बस आई के बराबर तो लेट कर रखा ही है। हाँ भाई, 9 कॉमन ले लिया, तो 1/9 बाहर आ गया। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x+6/9 और 5 dx। तो क्या बन जाएगा? आई बराबर 1/9 5/9 एक्स स्क्वायर प्लस, कट जाएगा 2, 3 के टेबल से 2 × 3 × यानी 2/3x+5/9 dx। ठीक है, 5/9 dx। ठीक है, अब चलो देखो, अब लगाते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड 1/9। हाँ भाई, ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ए बी की जगह पे क्या ले लूं कि 2/3 हो जाए? तो 1/3 लेना पड़ेगा। अब इतने का ही स्क्वायर ऐड, इतने का ही स्क्वायर माइनस, और प्लस में 5/9। ठीक है, तो भाई यहां से लेके यहां तक तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 9 और ये 5 का 9 dx। सॉल्व कर दो, 1/ में ए प्लस बी, हाँ जी, 5/9 को आगे रख लो, 1/9 को पीछे रख लो। नीचे 9, तो 5 में से 1 गया, कितना आ गया? 4, क्योंकि नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। ये बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर dx। हाँ जी, 1/9 क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1/a tan inverse x/a, ठीक है, प्लस सी। तो इसका क्या है? पलट जाएगा, 1/9 2, 3/2 tan inverse
3x+3 2/3 प्लस सी, 3 से 3 कट गया, 3 से कटेगा 3, तो आई बराबर 1/6 टेन इनवर्स 3x+1 2+c। ये आंसर है, करो ये करो। नोट कर लिए बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये भी और देख लो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी आज ये वाले टाइप खत्म करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, इस वाले टाइप को खत्म करा दूंगा, फिर इसके नीचे वाले टाइप नेक्स्ट क्लास में शुरू करा के खत्म करा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी 7.5 भी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये क्या है देखो, आई बराबर 1/√7 − 6x − x²। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे एक्स के साथ कुछ भी पसंद नहीं है, माइनस भी नहीं, बस बात खत्म। माइनस कॉमन ले लूंगा, 6x + x² dx बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 − x² + 6x। अब इसके अंदर ही हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला करेंगे। 7 माइनस, हाँ भाई, a² + 2ab, b की जगह पे क्या लोगे, 6x बन जाए 3। ठीक है, तो बस इतने का स्क्वायर ऐड और इतने का स्क्वायर माइनस dx। यहां से लेके यहां तक तो क्या बन जाएगा भाई, a + b का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। सेवन माइनस x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 + dx, 7 और 9 16 − x + 3 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हाँ जी, 1/√4 का स्क्वायर − x + 3 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया ये, a² − x², हाँ भाई, ये बन गया आपका साइन इनवर्स x/a + c। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया, अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13।
13 नहीं कराऊंगा, 14 भी नहीं कराऊंगा, 15 कराऊंगा क्वेश्चन नंबर। इसको नोट कर लो, फिर करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ये उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 15, ठीक है, फिर बाकी सारे क्वेश्चन खुद कर पाओगे। आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। चलिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये है। अब देखिए ध्यान से, अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 प्लस ए बी टी एक्स, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, हाँ भाई, माइनस का एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी डी एक्स, बस बन गया फॉर्मूला। 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 2 ए, बी की जगह पे क्या लूँ कि ए प्लस बी आ जाए, तो ए प्लस बी तो आ जाए लेकिन 2 फालतू में आ रहा है तो अपॉन में 2, तो इतने का ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर एड, और ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, और प्लस में ए बी, ठीक है जी, डी एक्स। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की पार्टी तो क्या बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की पार्टी तो बन गई आपकी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ए बी, और ये बन गया है माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इसके नीचे 1, और ये डी एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। मैंने भी इसका फॉर्मूला खोल दिया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। हाँ जी, इसके बाद क्या है, आई बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस, सॉरी, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें करो क्रॉस मल्टीपल, तो ये बनेगा प्लस का 2 ए बी, एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी, 2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे 4 होगा, 4 हो गया, ठीक है, तो ये होगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस, हाँ, माइनस 2 ए बी अपॉन में क्या आएगा, 4 डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ भाई, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी अपॉन में 4 डी एक्स। माइनस बाहर कॉमन ले लो, माइनस बाहर कॉमन ले लो, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपॉन में 4 डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब आई बराबर 1 अपॉन अंडर रूट, हाँ भाई, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और इस 4 का 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये
टू कहां से आ गया, इस फोर का टू का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है भाई, जल्दी बता दो कौन सा फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है लॉग, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, एक्स की जगह पे ये पूरा आएगा ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस सी। तो भाई ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला ठीक है जी, ये है पूरा पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा इसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन पूरा करेंगे ठीक है। चलिए तो आज की सभा यहीं खत्म है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।